न्यूज फ्लैश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। भारत और चीन के सैनिकों के बीच क्या सामान्य नहीं है हालात, क्या हालात बेहद नाजुक हो गए हैं? आज हम बात करेंगे पिछले एक महीने से दुनिया के दो सबसे बड़े देश की सेनाओं के बीच चल रही तनातनी की। भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनातनी की शुरुआत अप्रैल महीने के आखिर में शुरू हो गई थी, लेकिन जो स्थिति गंभीर बनी वह बनी 5 और 6 मई से, जो लद्दाख के पेनकोंग लेक पर भारत और चीन के सैनिक पिंगर एरिया जो बैंकॉक लेक से सटा हुआ है, विवादित इलाका है, वहां पर दोनों देश के सैनिक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि इस भिड़ंत में दोनों देशों के सेनाओं के बड़ी तादाद में सैनिक घायल हुए और काफी चोटें भी आई। हालांकि शुरुआत में यह नहीं बताया जा रहा था कि इसका कारण क्या है। हाँ, ये कहा गया था कि कुछ देर बाद ही इसी को सुलझा लिया गया था, यानी कि दोनों देशों के जो फील्ड कमांडर थे उनके बीच बैठक हुई और मामले को सुलझा लिया गया, लेकिन बाद में जो तनातनी थी वह खत्म नहीं हो पाई। इसके बाद में खबर आई कि चीन ने अपनी तरफ यानी कि जो पिंक एरिया है वहां पर पक्की रोड बना ली है और अपने मिलिट्री बैरिकेड्स भी बना लिए हैं। उस खबर के बाद आई कि भारत ने भी इसी तरह से 3 अपने जो पिंग एरिया है वहां भारतीय सेना ने अपने कैंप लगा लिए हैं। इसके बाद की स्थिति और भी तनावपूर्ण होती चली गई। ये सभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार कारण क्या है। रक्षा मंत्री ने इस विवाद पर कहा कि परसेप्शन की लड़ाई है जो हमेशा होती रहती है। पेट्रोलियम को लेकर दोनों देशों के सैनिक आपस में आमने सामने आते हैं, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। इस बार की स्थिति अलग इसलिए है क्योंकि जो चीनी सेना है वह कैंप में आकर बैठ गई है और स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो जाती है, लेकिन भारतीय सेना इसके लिए भी तैयार है। भारतीय सेना और रक्षा मंत्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया है और बातचीत भी चल रही है और इसको तनातनी को खत्म करने चाह रही है, लेकिन चीनी सेना इस बात पर अड़ी हुई है कि भारतीय सेना निर्माण कार्य बंद कर दे। भारतीय सेना ने यह साफ कह दिया है कि चाहे तनातनी चलती रहे लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं होगा। भारत ने साफ कहा है कि दोनों देशों के बीच जो भी तनाव है भारत और चीन के दोनों ही बैठकर मिलकर बातचीत करेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच काफी संधियां हो चुकी हैं, जैसे कि ऑपरेशन को लेकर और बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर।